कौन बनेगा बादशाहपुर का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताज़ा खबरों में आपको बता दें कि विधानसभा चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। प्रत्येक नेता अपने वोटों से जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जनसंपर्क अभियान के तहत फरूखनगर बाहर हली बस्ती वार्ड नंबर 8 अम्बेडकर पार्क में वोट की अपील करने पहुंचे। वहां पहुंचने पर राव नरवीर सिंह का फूल माला पुष्प गुच्छ व पगड़ी भेंट कर बहुत स्वागत किया गया। राव नरवीर सिंह के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में मंत्री द्वारा करवाए गए के कार्यों पर प्रकाश डाला। राव नरवीर सिंह के लिए अम्बेडकर पार्क वारली बस्ती में भारी संख्या में जनसैलाब पहुंचा। लोगों से अपील करते हुए पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि आज बादशाहपुर की जनता को एक ईमानदार नेता की जरूरत है ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहा तो बादशाहपुर हल्के की और ऐतिहासिक शहर फरूखनगर की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि पहले बाहर से आकर लोगों ने यहां के निवासियों की जमीन हड़पने या कब्जा करने का काम किया है, उन चुनिंदा लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा और आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छाती ठोक के छाती अड़ा के और मंत्री के सामने खड़ा उसका भाई जो काम कर दे। इसलिए आप लोगों को सहयोग देने का हम और आप में कोई फर्क नहीं है। हम आपके खिलाए हुए हैं, आपके आपकी अंगुलियां पकड़ के हमने चलना सीखा है। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में सफल प्रोग्राम आज गुड़गांव आज का जो सफल प्रोग्राम है फरूखनगर का सबसे सफल प्रोग्राम वो है तो बाहरली बस्ती में है। मैं इसके लिए जो भाइयों ने जो जान मारी है, जो हमारी माता बहनें आई हैं, जो हमारे भाई आए हैं, जो अपने घर का घर बार छोड़ करके आज इस प्रोग्राम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क में आए हैं, जो पकोड़े बना रहे हैं, जो टेंट लगाए हैं, भाई सबका धन्यवाद। अब मौज कर दी आज का ये प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत जय भारत। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ नरवीर सिंह से बन पाएगा वो इस इलाके की भलाई के लिए कर पाऊंगा, वो कर दूंगा आपके लिए। जय हिंद, नमस्कार।